हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर ये जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लॉक्स से हम अध्ययन कर सकते हैं जीडीपी और जो भी जीडीपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में डी लिखा हुआ है, डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो ब्लॉक्स हैं। तो राइट साइड में जो ब्लॉक हैं वो बताते हैं एनएनपी और एनडीपी, ठीक है, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमें माइनस करना होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और कुछ नहीं करना है। ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन में क्या है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, यानी एनएनपी पर पहुंच जाओगे, और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर दोगे तो नीचे आ जाओगे, यानी एनडीपी पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्सेस हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये आप ध्यान रखना। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में देखो आप, लेफ्ट साइड में जीएनपी ऊपर है, फिर जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, उसके बाद अगर हम माइनस कर दें उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स तो वो जीडीपी हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट पे, और नीचे हो जाएगी आपकी फैक्टर कॉस्ट पे जो है वो टोटल जो वैल्यू आएगी, ठीक है। वर्टिकल में नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो जीडीपी नीचे है, जीएनपी ऊपर है मार्केट प्राइस पे, और आगे जाके फिर वो फैक्टर कॉस्ट पे वही वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो दो ब्लॉक ये, दो ब्लॉक ये, बीच में डिप्रिसिएशन है, यानी अगर हम जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो फिर डिप्रिसिएशन वाले हमें लाइन को फॉलो करना होगा। तो ये आप देखो, अगर टोटल तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जीडीपी से रिलेटेड जितने भी हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए याद करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा डी फॉर डिप्रिसिएशन है। तो ऐसे ही हमारे आप इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें जैसे मैंने आपको बताया, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चल जाए और आसानी से याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे। बाय।